अलकपुर कैंप के इस शरणार्थी कैंप में आज की रात कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन कई बच्चे यहाँ बीमार हैं। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि उनकी कोई तो सुबह आएगी जब वो अपने घर जैसा महसूस करेंगे। छोटी सी बात ऐसे वक्त ऐसे हालात पैदा करती है कि आदमी इंसान अपने ही देश में शरणार्थी बन जाता है। ये बच्चा इस कैंप में रहता है जिसके पांव में जूते नहीं है और ये समय जो ठंड पड़ रही है वो हाड़ भी कपा देने वाली है। ऐसे में ये रात भर इसने इस कैंप में आसपास घूम घूम के अलाव के पास बैठ के रात गुजारी है और अभी ये फिर उम्मीद में है कि वो दिन आए, वो सुबह आए जब ये अपने घर वापस जाए। दंगे के दंश क्या होते हैं अब इन मासूमों से ज्यादा कौन जान सकता है। अब इस औरत को ही देखिए, ये बेवा हो चुकी है। पति की मौत के बाद अब इसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर ये रोज शाम को रोटी पकाती है, लेकिन निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता। उतरी भी तो कैसे, अभी कुछ दिन पहले ही इसकी 4 साल की बिटिया ठंड से ठिठुर कर मौत के आगोश में सो गई है। इसने लाख कोशिश की, अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, करती भी तो क्या। दवा महंगी थी और पैसे थे नहीं जो अपनी बिटिया को किसी ऐसे अस्पताल में दिखाती जहां डॉक्टर भगवान के जैसे होते हैं। आखिर इस मां ने अपनी बेटी को जब तक हो सका अपने सीने से लगाए रखा, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह ठंडी नहीं हो गई और फिर अपने ही कलेजे के टुकड़े को जमींदोज होते हुए भी देखा इस मां ने। बिस्तर पर लेटे हुए थे, रात को ठंड लगी, इधर देखा उधर भी ठंड, इधर देखा उधर भी ठंड जी। फिर उसका रात को उल्टी लगी, फिर बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ते ही हम सुबह लेकर गए उसे डॉक्टर का, दिखाई दो डॉक्टर का, हमने जवाब दे दिया। तीसरे का हमने भर्ती करी, डबल नमूनिया बताया जी। फिर लगे ले जाओ इसे, हमारे बस की नहीं है जी, हम कहीं ले जा नहीं पाए। इसी रात को दम तोड़ गई लड़की 2 बजे। ये कहानी सिर्फ इसी एक औरत की नहीं है, कई और भी हैं जिनकी जिंदगी नासूर सी बन गई है। रात होते ही यहाँ के बाशिंदों के गम और बढ़ जाते हैं। हर किसी के पास अपनी जिंदगी की दर्द भरी वो दास्तां है जिसे वो बांटना चाहता है, कहना चाहता है बहुत कुछ ऐसा जो उनका दर्द कम कर दे। ऐसी एक दर्दनाक कहानी है मुर्शिदा की भी। मुर्शिदा का भी एक बच्चा शैतानी ठंड की भेंट चढ़ चुका है। सिर्फ 20 दिन के उस बच्चे को इस मां ने मिट्टी के हवाले होते देखा है। उस मासूम ने यहीं इसी कैंप में जन्म लिया और फिर मौत के आगोश में सो गया। क्या हुआ था आपकी बिटिया को, कैसे हो? जी मेरे बच्चे को ठंड लग गई थी, निमोनिया हो गया था और उससे मर गया वो ठंड लग के। कितने साल की थी जी? 20 दिन का था। 20 दिन का बच्चा था? हाँ जी, 20 दिन का था और 1 महीना करीब होगा गुजरा उसका। तो आप भी शुरू से यही रह रहे हैं? हाँ जी, शुरू से यहीं पे हैं, यहीं पे हुआ था बच्चा, यहीं पे गुजारूंगा। अच्छा, बच्चा भी यहीं पे हुआ था? हाँ जी, यहीं पे हुआ था, अरे यहीं पे गुजारूंगा। अच्छा,
कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, क्या करें, आखिर कहां जाएं? इन्हीं सवालों के साथ ये लोग रोज सोते हैं और इस उम्मीद के साथ जागते हैं कि आज की सुबह शायद कोई चमत्कार हो। करम हो खुदा का जिससे इस दर्द से छुटकारा मिले। इसी उम्मीद में दिन चढ़ता है और फिर दर्द बढ़ता जाता है। अजाब तो तब और आ जाता है जब घर चलाने के लिए कोई कमाने वाला ना हो। अब इस बूढ़ी माँ को ही देखिए, इसका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था जिससे सबने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन तभी उस दंगे का जलजला आया और सब कुछ तबाह करके चला गया। जिस माँ ने 30 रुपए की मजदूरी करके अपने बेटे को बुढ़ापे की लाठी बनाने की सोची थी, उसका सपना पूरा होने से पहले ही टूटकर बिखर चुका है। अब तो बस बेबसी वो ये दुआ मांगती है कि मेरे बेटे को कोई रोजगार मिल जाए जिससे घर का चूल्हा जलता रहे। मजदूरी कर करके ये 30-30 रुपए की मजदूरी तपड़ आया, और आज की घड़ी परेशान हमें पता जितने इस बात का है। दुख है हमें ये आगे कुछ होगा, कुछ बनेगा, कुछ आसरा मिलेगा, ये उससे भी ज्यादा दुख हो गया। और ऐसे हालात में पड़ गए, कुछ नहीं हो पा रहा, न इमदादारी खारे कोई खाने पीने को, तो इंसान भूखा तो सोता नहीं, वो ऊपर ला रोटी तो दे, रूखी सूखी जैसी भी देता है, पर बच्चों की तो जिंदगी खराब हो गई है। इस करके लोना बहुत आ रहा है, सब बड़े बड़े पोच मारे, इसीलिए तो पढ़ा था, कुछ मारा बच्चा भी होगा, कुछ नहीं, जिंदगी खराब होगी, कुछ नहीं लग रहा है। इज्जत न मकान, न कोई सामान का, न कोई सीखा, नहीं कुछ नहीं है, तो बस परेशानी है। सर्दी में तो कुछ नहीं, मेरा बच्चा तो कहीं लग जाना, कहीं उसका लग जा कहीं काम, बस यही चाह, और कुछ नहीं चाहता। मजदूरी लग जा पड़े जमीन में, मकान बन जाओ, अपना रह रहे यही। जाना उस गांव में हमें कभी नहीं, जहाँ से आगे जाना नहीं। जिसके बहु बेटियों के बच्चा होने वाला था, मैं भी रात में निकल कर आई, वहाँ जाने का कोई नहीं है, गाड़ी गुप्पर देते हैं उस गांव में जाते ही वे लोग, कोई नहीं जा सकते, उल्टे नहीं जाने के, हेवे गांव के हैं हम, जिला बागपत है। यहाँ बसाई गई इस दर्द की बस्ती में करीब 7,000 लोग रह रहे हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है। वो कहानी जो सुनने वाले को परेशान कर देती है, वो कोई पत्थर दिल ही होगा जो इनका दर्द सुने और रो न दे। लेकिन कमाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनका दर्द बांटने अभी तक नहीं आया। इस बात का मलाल इन्हें बहुत है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की इस मलकपुर कैंप में यहाँ जो शरणार्थी रह रहे हैं, ये करीब 7,000 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर 700 से ज्यादा झुग्गियां बसाई गई हैं जहाँ पे शरणार्थियों को रहने की जगह दी गई है। लेकिन ये जगह वन विभाग की है और ये लोग चाहते हैं कि इन्हें यहाँ पर पक्के मकान मुहैया करवाए जाएं, जिसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उनका कोई नुमाइंदा भी यहाँ अभी तक नहीं आया है और लगातार यहाँ ठंड से लोगों की मौत हो रही है। लोग अभी भी ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर उनका क्या होगा।